ओके okay, सर तो बल्लेबाज आए हैं ईरा की तरफ से करण और जाकिर सामना करेंगे तारीख की गेंद का अच्छी गेंद सम्मान दिया डॉट गेंद फुल टॉस गेंद थी कवर की दिशा में खेल दिया कार्तिक वहां मौजूद थे एक हाफ चांस था शायद उंगली लगी भी गेंद पे लेकिन इस बीच दो रन दौड़ दोर चुके हैं फिर एक बार अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई गेंद थी के दिशा में हल्के हाथों से खेल दिया इस बीच दो रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया आवाज़ जाकिर ने अच्छा फैसला एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा फिर से एक बार बॉलिंग मार पे जाते हुए तारीख एक तेज गेंदबाज है अच्छा अप है अच्छा फॉलो थ्रू है तो सामना करेंगे जाकिर पहली मरतबा तारीख की गेंद का तो अपने पिटारे से पहली ही गेंद अजीबोगरीब गरीब ढंग से खेलना चाहते थे कुछ संपर्क नहीं स्कूप शॉट था लेकिन पूरा गेंद आई नहीं बल्ले पे डॉट गेंद फिर एक बार तारीख सामना करेंगे जाकिर पहली ही गेंद पे इनोवेटिव शॉट खेलना चाहते थे फिर एक बार स्लोअर गेन की थी सम्मान दिया हल्के हाथों से ढकेला कलाइयों के सहारे ढकेल दिया वह ऑफ की दिशा में इस बीच एक रन तो काफी सूझ बुझ भरी बल्लेबाजी कर रहे है सिंगल डबल चलने दे रहे है एक एक रन से ही काम चला रहे है एक अच्छी गेंद जड़ में डाली हुई गेंद समझ नहीं पाए करण इस बीच लेग बाइस का एक रन ओवर की समाप्ति ओवर की समाप्ति बाद बढ़ता हुआ स्कोर पांच रन बिना किसी नुकसान के ईरा तो नए गेंदबाज आए हैं केपी सामना करेंगे करण केपी जी के, के बेहतरीन फॉर्म में है इस लीग में लगातार प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से कठिन प्रश्न पूछे हैं बल्लेबाजों को फिर एक बार अच्छी गेंद और इस बार थोड़ा लेजी लिया फील्डरों ने और आखिर आखिरों में इशारा करके एक रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स इसी प्रकार की सोच होनी चाहिए बल्लेबाजों की जहाँ कहीं थोड़ी फील्डिंग लेजी हो तो एक रन बना लीजिए फिर एक बार बेहतरीन गेंद बाहर जाती हुई गेंद धकेल दिया हुआ इस बीच दो रन ले ले और वहां पे दोनों बल्लेबाज़ एक ही एंड पे और यह विकेट का पतन होते हुए मैं कह रहा था मिस फील्ड पे रन लेना जोखिम होता है और वही कुछ साबित हुआ और रन आउट का विकेट गया हुआ जाकिर का जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते थे फिर एक अच्छी गेंद और बेहतरीन फील्डिंग जकड़ सा रखा है हॉर्नेट के फील्डर और गेंदबाजों ने और वही एक और पे अच्छी बल्लेबाजी वहाँ करण की जानते हैं अच्छी गेंदबाजी हो रहे तो सम्मान दे रहे हैं सूझबूझ से खेल रहे हैं कोई जोखिम भरे शॉट का प्रयास नहीं अभी और उसी प्रकार का खेल खेलना चाहिए उन्हें फिर एक बार बेहतरीन गेंद जाने दिया छेड़खानी की नहीं गेंद से तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं उसी प्रकार के शॉट खेलने होंगे करण को पावर प्ले चल रहा है दो फील्डर लगाए गए हैं ऑफ साइड और लेग साइड में जानते हैं रिवर्स शॉट खेलते हैं करण इस वजह से फील्डर भी लगाया है काफी बढ़िया फील्डिंग सजाई है वहा इस बीच सामने डाली हुई गेंद प्रहार किया ने वन बाउंस बाउंस टू फील्डर चेस करते हुए गेंद को और इस बीच दो ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा थोड़ी आउटफील्ड में नमी है वातावरण के वजह से ठंडा वातावरण है इस वजह से थोड़ी नमी है इस दो रनों के साथ ओवर की समाप्ति ओवर की समाप्ति बाद बढ़ता हुआ स्कोर नौ रन एक विकेट के नुकसान पर हीरा इलेवन तो नए गेंदबाज आए हैं स्वप्निल अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए हैं सामना करेंगे अनसार तो वो जड़ में डाली हुई गेंद वाइड और का प्रयास था डॉट गेंद तो अच्छी गेंदबाजी गेंदबाजी अच्छी है तो फील्डरों में भी जोश आता है और उसी प्रकार का कुछ माहौल बनाया है हॉर्नेट के गेंदबाजों और फील्डरों ने काफी चेयरिंग हो रही है अच्छा जॉयफुल एटमोस्फियर बनाया है खिलाड़ियों ने फिर एक बार एक अच्छा ड्राइव हुआ अंसार की ओर से बॉल बाउंड्री की ओर तेजी से दौड़ते हुए और चार रन तो एक बढ़िया शॉट खेला हुआ अंसार ने इसी प्रकार के शॉट खेलने होंगे स्कोरबोर्ड को बढ़ाना होगा और वही कुछ साबित करते हुए फिर एक बार जड़ में डाली हुई गेंद खोद के निकाला है लेकिन इस बीच एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और अच्छी फील्डिंग वहां मनोज की और अच्छा कम बैक वहां स्वप्निल का फिर एक बार ऑफ साइड की दिशा में गए ढकेल दिया वहा एक रन फिर एक बार अच्छी गेंद लेकिन अच्छी बल्लेबाजी वहाँ अंसार की स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं करण के साथ एक चौका आ चुका है इस ओवर में तो जानते हैं एक एक रन से काम बन जाएगा तो और वही कुछ करते हुए दोनों बल्लेबाज एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी फिर एक बार हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया हुआ कलाइयों के सहारे खेल दिया गेंद को और इस बीच दो रन के लिए दौड़ चुके हैं और बेहतरीन रन फुल डाइव एफर्ट हुआ करण का तारीफ करनी होगी जानते हैं अपने विकेट का महत्व और इसी प्रकार का खेल खेलना होगा और वही साबित करते हुए करण काफ़ी बढ़िया फिटनेस ओवर तो की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर अठारह रन एक विकेट के नुकसान पे ईरा इलेवन अठारह रन एक विकेट के नुकसान पर ही 11. तो तीन ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और अठारह रन बनाए हैं लगभग जितनी गेंदे उतने रन बनाए हैं छह का रन रेट चल रहा है तो कल के सत्र से लगभग लो स्कोरिंग मैचेस हुए इस बात का ख्याल रखेंगे जानते हैं सभी खिलाड़ी यदि साठ सत्तर रन बनाते हैं तो बढ़िया मैच देखने मिल सकता है और वही सोच होंगे बल्लेबाजों की दोनों केपी केपी की गेंद बाहर निकली बेहतरीन गेंद एक हल्की सी अपील लेकिन सीधा दस्तानों में गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं डॉट गेंद केपी जो कि बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं इस लीग में लगातार प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी से कठिन प्रश्न पूछे बल्लेबाजों से और उसी प्रकार का प्रश्न अभी पूछते हुए अंसार से फिर एक बार केपी अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे अंसार फिर एक बार वॉइड यार कर, कर रही बल्ले पे आई नहीं लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स जानते हैं अनसार और करण कि एक एक रन निकालते रहने चाहिए बड़े शॉट नहीं आ रहे तो स्कोरबोर्ड चलाते रहना चाहिए ताकि एक अच्छा स्कोर बना सके अपने टीम के लिए और उसी प्रयास में लगे हुए करण और अंसार फिर एक बार केपी की गेंद कट कर दिया है वहा करण ने फील्डर वहां मौजूद है साबिर मौजूद है जो कि अच्छे फील्डर है फिर एक बार अच्छे टप्पे के गेंद पढ़ के बाहर निकली डॉट गेंद इस बार जड़ में डाली हुई गेंद खुद के निकाला आंसार ने फील्डर वहां मौजूद है सोनू एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को तो हल्के हाथ से ढकेल दिया साबिर वहां मौजूद है जो कि अच्छे फील्डर है इस बीच एक रन और मिस फील्ड वहां कॉमेंट्रेटर कर्स और वहां पे मिस फील्ड तो नए गेंदबाज आए हैं नदीम सामना करेंगे अंसार तो दिशा इन गेंद अतिरिक्त रन वाइट गेंद तो जड़ में डाली हुई गेंद हल्के हाथ से ढकेल दिया हुआ वन साइड की दिशा में इस बीच अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स दो रन कंप्लीट किए काफी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी कर रहे हैं करण और अंसार एक बार वही शॉट और एक्शन रिप्ले हुआ उसी प्रकार की रनिंग बिटवीन द विकेट्स ना करनी होगी करण और अंसार की बड़े शॉट आ रहे नहीं है तो दो दो से काम चला रहे हैं प्रेशर डाल रहे हैं फील्डरों पे और इस बार उठा के खेलना चाहते थे और विकेट दे चुके अपनी अच्छा कैच हुआ स्वप्निल का तो नए बल्लेबाज आए नितिन सामना करेंगे नदीम की गेंद का तो पटकी की गेंद ढकेल दिया केपी की बेहतरीन फील्डिंग एक थ्रो किया था अतिरिक्त रन हो सकता था लेकिन मना किया हुआ करण ने ज्यादा दौड़ चुके थे तो एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा फिर एक दिशाहीन गेंद व्हाइट गेंद फिर एक बार अच्छी गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे बड़ा शॉट ढूंढना चाहते थे लगता है प्रेशर में रिलीज करने के लिए शॉट खेला था करण ने लेकिन पूरी तरह चूके थोड़ा पेस में वेरिएशन किया था नदीम ने अच्छी गेंदबाजी नदीम की अच्छा कम कर रहा है नदीम की बेन ढकेल ओ एक चांस बना था केपी था शायद कैच हो सकता था लेकिन ड्रॉप किया एक हाफ चांस था इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर बत्तीस रन दो विकेट के नुकसान पर पांच ओवर की समाप्ति के बाद इरा इलेवन नए गेंदबाज आए हैं स्वप्निल सामना करेंगे नितिन क्योंकि अभी अभी क्रीज पे आए हैं समय लेने का मौका नहीं रनों की गति को बढ़ाना होगा तो पटकी हुई गेंद थी अच्छा शॉट हुआ अमीन मौजूद है और उतनी बेहतरीन फील्डिंग और थ्रो इस बीच एक ही रन तो थोड़ा मोमेंटम बॉलिंग की ओर शिफ्ट हुआ है पिछले कुछ गेंदों से डॉट गेंदे की है लगातार फिर एक बार पटकी हुई गेंद बड़ा शॉट ढूंढने की कोशिश थी लेकिन एक अच्छी फील्डिंग सोनी की ओर उतनी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स दो रन लेने से नहीं रोक पाएंगे करण और नितिन को सराहना करनी होगी करण की ओपनिंग से लगे हुए हैं बड़े शॉट आए नहीं हैं तो सिंगल डबल छोड़ नहीं रहे हैं फुल एफर्ट मार रहे हैं दो रनों के लिए प्रेशर डाल रहे हैं फिल्डरों पे और वो प्रयास काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होते हुए सिंगल को दो में कन्वर्ट करो बोर्ड चलाओ बड़े शॉट आएंगे फिर एक बार स्वप्निल की गेंद सामना करेंगे करण तो स्कूप निकाला था तो जो कैच ड्रॉप किया था केपी ने इस बार एक बेहतरीन कैच केपी द्वारा फुल डाइविंग एफर्ट और सेलिब्रेशन भी करते हुए स्वप्निल की गेंद का एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिलाया है स्वप्निल ने आते ही खाता खुला हुआ अक्षय ने एक रन से स्वप्निल के लिए नितिन के लिए अच्छा शॉट हुआ गैप में गई है गेंद फील्डर पहुंच नहीं पाए एक बेहतरीन शॉट चार रन तो इसी प्रकार के बड़े बड़े शॉट खेलने होंगे नितिन को एक अच्छा शॉट नितिन का फिर एक बार जर में डाली हुई गेंद बल्ले पे आई नहीं इस बीच एक रन दौड़ चुके हैं और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन इक्के रन, 41 रन। छह ओवर की समाप्ति बाद तीन विकेट के नुकसान पर इरा इलेवन तो बारह गेंदों का खेल बाकी है तो गेंदबाज आए है तारीक अच्छा शॉट हुआ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा ठंडी हवाएं चल रही है ग्राउंड में और उसी प्रकार के बेहतरीन काटेदार मैच हो रहे हैं दोनों ही टीमों में फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फुल बॉडी स्ट्रेच की थी लेकिन गेंद लगी नहीं बल्ले पे डॉट गेंद तो इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी हॉर्नेट को और उसके विपरीत इरा इलेवन को बड़े बड़े शॉट ढूंढने होंगे एक अच्छे स्कोर के तरफ बढ़ाना होगा अपनी टीम को और उसी प्रयास में लगे हुए नितिन और अक्षय तारीख की गेंद अक्षय के लिए फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं पेस में वेरिएशन किया था तारीख ने एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अच्छी फील्डिंग वहां मनोज की लगातार बांध के रखा है तारिक ने अपनी गेंदबाजी से कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे कोई लूज डिलीवरी दे नहीं रहे इस वजह से एक दो रन से ही काम चलाना पड़ रहा है बल्लेबाजों को फिर एक बार तारीख सामना करेंगे नितिन ट की हुई गेंद स्लोअर बाउंसर डाला था समझ नहीं पाए नितिन पहले ही खेल गए शॉट को इस बीच डॉट गेंद फिर एक बार काफी तेज तरार गेंद और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा अच्छी गेंदबाजी की है तारेक ने बांध के रखा है बल्लेबाजों को हीरा इलेवन के जो कि बड़े शॉट ढूंढ रहे हैं लेकिन इस बीच स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे हैं सराहना करनी होगी बल्लेबाजी की फिर एक बार उठा के खेल दिया है फील्डर वहां मौजूद है केपी और लेकिन नो लैंड में गेंद गिरी ए तो पूरे थे इस बीच दो रन केपी और आमिन मौजूद थे वहां दोनों के बीच गेंद गिरी इस दो रनों के साथ ओवर की समाप्ति ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 46 रन लॉस ऑफ थ्री विकेट इरा इलेवन तो एक ओवर का खेल बाकी है यकीनन 10-15 रन लेना चाहेंगे अक्षर नितिन थैंक यू डीजे तो नए गेंदबाज आया है नदीम सामना करेंगे नितिन तो नदीम की गेंद दूर रखी थी स्लॉट से नितिन के डॉट गेंद तो रेंज से बाहर रख रहे हैं नदीम काफी चतुर गेंदबाजी कर रहे हैं नदीम जो बल्लेबाज का एक स्लॉट होता है जोन होता है उससे दूर टप्पा रख रहे हैं फिर एक बार जर में डाली हुई गेंद खोद के निकाली है मनोज बाबा मौजूद है इस बीच एक रन दौड़ चुके हैं दूसरे का प्रयास और अक्षय की एक फुल स्ट्रेच रनिंग और रेफर किया गया है रनआउट के लिए थर्ड अंपायर की तरफ थैंक यू अब है सुनील टाले बेहतरीन लाइन ऑन लाइन से के एम्पायर का इशारा यकीन वाइट होगा गेंद काफी ताकत लगाया नितिन ने और ओलंपायर का चरा या किरण चार रन हल्का गेंद किया था उसका पूरा फायदा उठाया है नितिन ने और नॉन स्ट्राइक हैंड पे है सुनील टाले और ये बड़ा शॉट और यकीनन छह रन इस छह रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा इरा इलेवन का अट्टा वन फिफ्टी एट बड़ा शॉट काफी देर बाद आया है और बेहतरीन खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया नितिन ने ग्राउंड के जो अंदर है वो लाल रोक के बाहर हो जाए प्लीज थोड़ा कॉपरेट करे और प्रज्वल तू भी थोड़ा पीछे आ जाओ अब बॉल करेंगे आप नदीम और ताजे और रिवाशी खेलने का प्रयास जरूर किया था नाकामयाब रहे और ये रन बनाए हैं इक्वन साठ जीत के लिए चाहिए साठ रन हॉर्नेट को सिक्सटी टू विन टीम हॉर्नेट थैंक यू डीजे थैंक यू हॉर्नेट के ओपनर बल्लेबाज जल्द से जल्द पीच पे भेजे टीम हॉर्नेट के कप्तान जल्द से जल्द अपने पीच पे ओपनर बल्लेबाज भेजे हीरा लेवन ने बनाया है फिफ्टी नाइन और चाहिए जीत के लिए सिक्सटी कंप्लीट साठ रन चाहिए टीम हॉर्नेट को ओर से पहला और टीम की ओर से भी पहला ओवर लेकर आए हैं करण और सामना करेंगे लंबे कद के बैट्समैन सोनू और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक हैंड पे है मनोज और आते से ही मन बना लिया था शिप खेलने का सोनू ने ना कामयाब रहे अच्छी बॉलिंग करते हैं करण बेहतरीन काफी लंबा रनअप है करण का फिर से सामना करेंगे सोनू और हाना में हाना में दो रन पूरा किया सोनू और मनोज ने अपना भी और टीम का भी खाता खोला इस दो रन से और अच्छी फिर से करण अपनी बॉलिंग मैच पे सामना करेंगे सोनू बेहतरीन रुक कर खेला है और मिस फील्ड हुई है थोड़ी सी और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस एक रन की मदद स्कोर जा पहुंचा टीम हॉर्नेट का तीन रन नो लॉस कोई विकेट तो नहीं गिरी है बेहतरीन रोटेट किया अब दिया है स्ट्राइक सोनू ने मनोज को और अच्छी और ट्राई अच्छा किया था जाकिर ने और एम्पायर का शरा चार रन। और इस चार रन की मदद स्कोर जा पहुंचा टीम हॉर्नेट का सात रन और अपना खाता खेला खोला चौके से मनोज ने काफी दूर से भाग कर आए थे जाकिर नाकामयाब रहे बॉल रुकाने में फिर से अपनी बॉलिंग मैच पर करण सामना करेंगे मनोज और खेलना चाहते थे भीत हुए अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी की करण ने बेहतरीन और अच्छी चेयरिंग कर खेल रहे हैं टीम इरा के सभी फील्डर उन्हें पता है फिर से करण सामना करेंगे मनोज और ये गेंद गई है नोमैंस लाइन में और यकीनन चौका प्राप्त किया मनोज ने ओवर की समाप्ति एक ओवर का हुआ है खेल समाप्त रन बने हैं ग्यारह विकेट गिरी नहीं अब तक एक ओवर का हुआ है खेल समाप्त रन बने ग्यारह विकेट गिरी नहीं अब तक और अब आए हैं बॉलिंग मैच पे मंगेश सामना करेंगे सोनू और काफी लंबा रन अप है म, मंगेश का और सामना करेंगे सोनू गेंद उसे दिशा दिया थोड़ी सी थोड़ा सा फंबल हुए सुनील एक रन दौड़कर पूरा किया और अब आए हाई स्ट्राइक पे मनोज दो ओवर हुए समाप्त रन बने हैं बीस विकेट अब तक नहीं गिरी है पर ओवर दस का रनडेट लेकर चल रहे हैं दो ओवर बीस रन दो ओवर की समाप्ति के स्कोर इसको जा पहुंचा बीस रन कोई विकेट नहीं गिरी अब तक अपनी ओर से पहला टीम की ओर से तीस ओवर लेकर आए हैं बंसी सामना करेंगे सोनू और अच्छी गेंद अच्छी वापसी की बंसी बहु ने चौका खाया था जरूर अच्छी गेंदबाजी और खेल रहे हैं सोनू खेला है फील्डर तो मौजूद है तब तक जाकिर फील्ड कर पाते एक ही रन से संतोष होना पड़ेगा मना किया मनोज ने सोनू को उन्हें पता है अच्छे फील्डर है जाकिर और इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा सत्ताईस बिना कोई विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी लो फुल टॉस किया है अच्छा थ्रो बेहतरीन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और अब आया स्ट्राइक पे सोनू से ढकेला और बंडू भाऊ बॉल के पीछे भागते हुए मना किया सोनू को सोनू ने मनोज को एक रन तीन ओवर बिना कोई विकेट के नुकसान पर ट्वेंटी नाइन लॉस ऑफ जीरो विकेट आफ्टर थ्री ओवर ओवर का हुआ है खेल समाप्त रन बने वनतीस विकेट नहीं आई अब तक और अब आए हैं करण सामना करेंगे सोनू अच्छी गेंद अंदर की गेंद उसे हल्का सा खेला सोनू ने स्ट्राइक रोटेट किया मनोज आए अब स्ट्राइक पे और अच्छी गेंदबाजी करण की सामना करेंगे फिर से सोनू अंदर की गेंद सीधा खेला सोनू ने तब तक बंसी वो फील्ड कर पाते एक रन दौड़कर पूरा किया और फिर से अपनी बॉलिंग मैच पे करण सामना करेंगे मनोज अब तक विकेट तो नहीं गिरा है अच्छी सूझ बूझ भरी बैटिंग कर रहे हैं मनोज और सोनू अच्छी और जितनी हल्की से अपील करते हुए अच्छी एंपायरशिप धमानंद जाधव सर और अमोल सर बेहतरीन पटकी हुई गेंद उसका पूरा पूरा फायदा उठाया मनोज ने बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा मनोज और सोनू द्वारा बेहतरीन सिक्स बड़ा शॉट खेला है और इस छक्के की मदद से स्कोर जापोजा टीम होने उसका अड़तीस एटी थर्टी एट जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है इस बैट्समैन की चारों ओर खेल रहे हैं शॉट लगा रहे हैं ओवर की समाप्ति चार ओवर का खेल हुआ है समाप्त रन बने हैं वन विकेट अब तक नहीं आई है बेहतरीन पांच ओवरों का खेल हुआ है समाप्त रन बने हैं छे चालीस विकेट गिरी है मात्र एक और अभी भी जीत के लिए अठारह गेंदे चौदह रन जीत के लिए समीकरण अठारह गेंदे चौदह रन टीम हॉर्नेट और अब आए है मंगेश सामना करेंगे सोनू ओपनिंग के लिए आए थे सोनू और मनोज मनोज गए हैं अभी अभी पबिलियन वापस और मनोज का भार संभालेंगे अख तारे और जीत के लिए चाहिए अठारह गेंदे चौदह रन हल्की सी अपील जरूर की है एम्पायर पे कोई असर नहीं अच्छी गेंदबाजी मंगेश की अच्छी विकेट कीपिंग अक्षय बो द्वारा शॉट खेलना चाहते थे बीत हुए सोनू मंगेश सामना करेंगे फिर से सोनू खेलना चाहते थे बीट हुए और ये बीस फील्ड हुई थोड़ी सी कोई हानि नहीं पहुंची एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा टीम का सत्ते चालीस एक विकेट सोलह गेंदे तेरह रन खेला है ऊंचा और अच्छी ख्यालप लपकी है खेलना कुछ चाहते थे खेल गए कुछ और ये बड़ा विकेट नंबर टू मंगेश फील्ड में तब्दीली करते हुए उन्हें पता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन है राजीक अच्छी गेंदबाजी की बड़ा विकेट चटकाया तारेक के रूप में किया पबिलियन वापस और उनका स्थान लेकर आए है हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राजीक जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए बॉलिंग मैच पे अपने मंगेश राजीक अच्छा खेला, लाइन में जाती हुई गेंद अच्छी फील्ड वहां तब तक फील्ड कर पाते नितिन दो रन दौड़कर पूरा किया राजिक और सोनू ने और बढ़ाया स्कोर शीट को इस दो रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा टीम का एक वन दो लॉस टू लॉस अभी भी जीत के लिए चौदह गेंदे ग्यारह रन अच्छी बिटवीन द रनिंग दोनों ही बैट्समैन के बीच हल्का खेला और राजिक ने रोटेट किया स्ट्राइक उन्हें पता है सोनू भी अच्छे शॉट लगाते हैं अभी चालू है सिंगल डबल सिंगल डबल अच्छी बॉलिंग कर रहे मंगेश सामना करेंगे ओपनिंग से आए थे सोलू और लेग बाइस के रूप में रन मिला है ओवर की समाप्ति छह ओवर का हुआ है खेल समाप्त रन बने हैं इक्यावन विकेट गिरी है दो और भी जीत के लिए चाहिए बारह गेंदे नौ रन एक बख्शीश आया है टीम को अगर वो मैच जीतती है तो निजाम भाई सरकार की ओर से आज डिनर है रात का उनको बेहतरीन निकाला शॉट स्विफ्ट किया अच्छे फील्डर मौजूद है वहां जाकिर अगर उनकी जगह कोई और होता तो यकीनन दो भी जा सकते थे अच्छी बॉलिंग बंडुभो द्वारा और अब स्ट्राइक क्या है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज राजीक अभी भी जीत के लिए चाहिए ग्यारह गेंदे आठ रन बेहतरीन रोटेट कर रहे हैं राजी सोनू अभी रन बने हैं त्रेपन विकेट गिरी है दो चालू है ओवर सातवा जीत के लिए दस गेंदे सात रन वो सामना करेंगे सोनू अच्छी अंदर की गेंद की थी बैकफुट पर जाकर खेला शॉट सोनू ने कुछ हानि आई है शायद ओपनिंग करने के लिए आए थे काफी देर से खेल रहे हैं कुछ हानि है चौपन रन विकेट गिरी है दो अभी भी, भी जीत के लिए चौपन रन हो चुके हैं फिफ्टी फोर सॉरी नौ गेंदे जीत के लिए चाहिए छह रन नौ गेंदे रन अच्छी कुछ हानि आई थी इस वजह से गेम रुक चुका था बंडू सामना करेंगे राजीक सात गेंदों में चाहिए रन जीत के लिए चार सात गेंदे चार रन बने हैं रन सत्तावन गेंदे जीत के लिए चाहिए तीन रन छह गेंदे तीन रन जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए जीत के लिए छे गेंदे तीन रन अगर हॉर्नर जीतती है तो निजाम सरकार की ओर से कुछ नियोजन है सामना करेंगे राजीक ऊंचा खेला है जरूर और फील्डर तो है मौजूद और अच्छी कैच और ये अच्छी कैच अभी भी जीत के लिए पांच गेंदे तीन रन कुछ भी हो सकता है फिफ्टी फिफ्टी मैच है कभी लग रहा था हॉर्नेस के हाथ कभी लग रहा है ईरा के हाथ देखे देखेंगे अच्छी कैच हो सकती थी अंसार ने पहले ही कहा था नितिन को यकीन कैच हो सकती थी ये दो रन मिले हैं और मैच हुआ है सॉरी इक्वल हुआ है अभी चार गेंदों में जीत के लिए चाहिए एक रन केवल और ये मैच जीत लिया है टीम हॉर्नेट ने अच्छा और टीम फिलेंस के कप्तान जावेद और करण इरा इरा इलेवन के करण कप्तान से गुजारी से